बॉक्सिंग के मुकाबले देखते हुए हमारा मन भरता नहीं है, तो लगातार आपको बॉक्सिंग दिखा रहे हैं और देख रहे हैं, और ये मुकाबला तो पड़ोसियों का है या एक ही राज्य, मान लीजिए गोपी पंजाब से हैं और पंजाब और हरियाणा की ज्वाइंट कैपिटल चंडीगढ़ से आते हैं सुशांत कपूर। एक वेट कैटेगरी पीछे आपको लिए चलते हैं, ये इनफैक्ट दो वेट कैटेगरी, मिनिमम वेट कैटेगरी का आखिरी क्वार्टर फाइनल जो अब खेला जा रहा है पंजाब और चंडीगढ़ के बीच में। ब्लू कॉर्नर में जी हैं सुशांत कपूर, चंडीगढ़ से आते हैं जिसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, जिसके बिल्कुल पड़ोस में है पंचकूला, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी हुई थी। और ये हैं पंजाब के होशियारपुर से आए गोपी। बड़ा रोचक होगा ये बाउट को देखना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। ये बॉक्सर एक चंडीगढ़ में ट्रेन करते हैं, ये गोपी हैं, ये साई सेंटर संगरूर में ट्रेन करते हैं। इधर इधर सामने सामने हेड अप करके खेलना है, पीछे पंचिंग नहीं करनी है, होल्ड नहीं करना है, पंचिंग अप करके खेलना है, मेरी कमांड को सुनना है। ओके सेकंड। चलिए अपनी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं मैच रेफरी ने, सर के पीछे नहीं अटैक कर सकते, बिलो द बेल्ट नहीं मार सकते, सर नीचा नहीं होना चाहिए, मतलब जो जो नियम आप आम जीवन में दूसरों को बताते हैं कि पीठ पे वार नहीं करना, बिलो द बेल्ट अटैक नहीं करना और बड़ों की बात को सुनना है, वो यहाँ भी लागू होते हैं। पंजाब रेड कॉर्नर, चंडीगढ़ ब्लू कॉर्नर। सुनील बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है शुरुआत में ही, पंजाब के गोपी जो है ओपोनेंट के जोन में एंटर करके उनका अटैक कर रहे हैं, चढ़ चढ़ के पंच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नीति लगता है कि गोपी ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की नीति पर चल रहे हैं, और लेफ्ट हाथ से जो अपरकट लगा फिर राइट जैब आया जबरदस्त, हाइट एडवांटेज बहुत अच्छा सुशांत के पास है, तो शायद गोपी इसी बात को नेगेट करना चाहते हैं कि इससे पहले आप अपना हाइट का फायदा लें मैं आपकी जोन में आके आपको नेस्तनाबूद करूंगा। लॉन्गर आर्म लेंथ का फायदा जरूर हो सकता है चंडीगढ़ के सुशांत कपूर को, लेकिन अभी तक उनको अटैक करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली है, एल्बो नहीं लेके जानी है। काफी अग्रेसिवली अटैक किया है पंजाब के गोपी जो कि रेड कॉर्नर में है और ब्लू कॉर्नर में सुशांत कपूर चंडीगढ़ से। और एक इंटरेस्टिंग बात ये नीति कि रेफरी ने दो बार वार्निंग दी है गोपी को फाउल प्ले के लिए, कहा एल्बो नहीं लेके जानी। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आप अग्रेशन दिखाएं लेकिन अगर आप नियमों के दायरे में ना खेलें तो जजेस उसके पॉइंट्स काटते हैं। अग्रेशन के बावजूद कई बार जो रिजल्ट सरप्राइज में उलट आता है उसका यही कारण होता है कि आपने इल्लीगल तरीके से पंच किया है, ये बात भी ध्यान देने योग्य है। जो गोपी है रेड कॉर्नर में, बॉक्सिंग उनको विरासत में मिली है, इनके पिता भी बॉक्सर हैं, उन्हीं को देख के इन्होंने बॉक्सिंग करना शुरू किया था। एक राइट जैब अच्छा लगाया था गोपी ने, काउंटर पे खेल रहे हैं सुशांत लेकिन उनका चेहरा बता रहा है कि प्रेशर में है। गोपी ने अग्रेशन दिखाया है, क्या सफाई से पंच लैंड अगर किए तो बहुत से पॉइंट्स वो ले जाएंगे। दोनों ही बॉक्सर्स बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के हैं, एक ऑफेंसिव एक कंप्लीट डिफेंसिव, एक जगह ढूंढ रहा है एक जगह बनने नहीं दे रहा है पंजाब के गोपी रेड कॉर्नर में। देखिए हाइट उनकी बेशक छोटी हो लेकिन काफी पेस उनके पास में है, तेजी दिखा रहे हैं। बॉडी मूवमेंट देखिए गोपी की, अपने पैरों पे कितने स्विफ्टली मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट उनका, ये देखिए लक कितना शानदार किया, ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है नीति। इस बाउट का परिणाम जो मर्जी हो, गोपी की कम से कम मूवमेंट बॉडी लैंग्वेज एक भविष्य के चैंपियन को दर्शा रही है। एक बढ़िया फुटवर्क के साथ गोपी पंजाब के रेड कॉर्नर में,
सुशांत कपूर जो कि ब्लू कॉर्नर में है चंडीगढ़ से। अब देखना ये होगा कि गोपी का अग्रेशन या सुशांत का डिफेंस किसने जजेस को ज्यादा प्रभावित किया। गोपी अग्रेसिव थे, पूरी तरह डोमिनेट होके खेले, लेकिन कितने पंच सफाई से लैंड किए, कितने फाउल पंचेज उन्होंने किए, क्योंकि दो बार वार्निंग मिली उनको। सुशांत काउंटर पे खेले, डिफेंस पे खेले, किसने जजेस को ज्यादा प्रभावित किया है? 4-1 से सुशांत कपूर के पक्ष में जजेस ने फैसला दिया है। तो जो बात हम कह रहे थे कि अग्रेशन बनाम डिफेंस में, डिफेंस की जीत हुई है पहले राउंड में। और ये ऐसा खेल है जिसका फैसला हमें कई बार आश्चर्यचकित करता है, लेकिन हैरान होना नहीं चाहिए, क्योंकि गोपी के अग्रेशन में कुछ फाउल प्ले छिपा हुआ था और उनके अग्रेशन को सुशांत ने नेगेट किया, तो डिफेंस ने इनको पहला राउंड जितवाया है। आज के दिन की इन क्वार्टर फाइनल बाउट्स में ये दूसरा मौका है हमारे लिए जब हमें देखने को मिला है कि डिफेंस के चलते बॉक्सर्स ने पॉइंट्स स्कोर किए हैं। पीछे दबाओ इसको, पीछे। और मॉडर्न बॉक्सिंग में देखिए कितना बड़ा रोल प्ले करता है जब आप डिफेंसिव, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव प्लेयर हैं। इतना अग्रेशन दिखाया, लगातार पंच लगाए, लेकिन सेव करते रहे ब्लू कॉर्नर में। सुशांत कपूर चंडीगढ़ के, देखने में नहीं लग रहा था कि वो जीतेंगे, लेकिन आखिरकार पहला राउंड उन्होंने जीत लिया है। अपरकट बहुत बढ़िया लगाया था गोपी ने, अग्रेशन है, क्या अग्रेशन से पॉइंट ले पाएंगे? फिर से गोपी का अटैक बनाम सुशांत का डिफेंस, यही कहानी है दूसरे राउंड की भी। सफाई से पंच लैंड होने चाहिए। वार्निंग फिर से मिली है गोपी को। होल्डिंग करना, ओके। जजीज इन बात को बहुत नोट करते हैं, ज्यादा वार्निंग किसे मिली, किसने फाउल प्ले किया। अग्रेशन अपनी जगह, नियमों में रह के खेलना सबसे बड़ी बात है। और सुनील, जब आपका ओपोनेंट आप पे पंचेस लैंड करने की कोशिश कर रहा हो, हुक लगा रहा हो, जैब दे रहा हो, अपर कट का ट्राई कर रहा हो और आप उसको ले पा रहे हो, डिफेंस कर पा रहे हो, तो विपक्षी कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर में भी आ जाता है कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया, इतना प्रयास किया, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है गोपी को फर्स्ट राउंड के दौरान। पंजाब का ये ऑफेंसिव बॉक्सर जो है, उसको पहला राउंड गंवाना पड़ा है। ये राइट जैब लगा है, कॉर्नर कर रहे हैं। गोपी के अग्रेशन में कोई कमी नहीं, पर सुशांत ने डिफेंस में प्रभावित किया है, कोई शक नहीं। ओह क्या बात है, एक और काउंटर अटैक पे सुशांत है, अटैक में गोपी, काउंटर पर सुशांत। गोपी रेड में, सुशांत ब्लू में। ब्लू नो होल्डिंग, लगातार तीसरी चौथी वार्निंग मिली है। नो होल्डिंग, ओके। ये सुशांत के कोच हैं, पहले जो कोच देखे वो गोपी के कोच थे, और उनकी फीमेल कोच ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है, गोपी चली चल, मतलब रुकना नहीं है, लगे रहो, मारते रहो, अग्रेशन दिखाते रहो। तो अपना अपना स्टाइल है। नो लेसी, लिसन कमांड, कंसंट्रेट होल्डिंग, ओके। बॉक्स, बार बार रेफरी ने समझाया है वहां पर कि मेरी कमांड को सुनिए, इसका नुकसान हो सकता है। सुशांत कपूर को आपको बार बार रेफरी समझा रहे हैं कि मेरी कमांड को इग्नोर मत कीजिए। 48 किलोग्राम कैटेगरी क्वार्टर फाइनल बाउट, पंजाब वर्सेस चंडीगढ़। सेकेंड राउंड के ये आखिरी कुछ क्षण हैं और इसमें काफी क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिला है, दोनों के बीच में काफी क्लोज फाइट देखने को मिली है। और इस राउंड की खास बात ये थी कि सुशांत ने डिफेंस के साथ साथ कुछ ऑफेंसिव हाथ भी दिखाए थे। गोपी का अग्रेशन लगातार रहा है दोनों राउंड्स में, पर हमें इंतजार है जजेस के फैसले का। इस राउंड के दौरान थोड़े से पंचेस एक्सचेंज हुए थे, जहां पहले राउंड में काफी ज्यादा डिफेंसिव नजर आए, लेकिन इस राउंड में उन्होंने अटेम्प्ट किया है, अटैक करने की कोशिश की है, अपनी आर्म लेंथ को पूरा यूटिलाइज किया,
और गोपी को जो है थोड़ी सी उन्होंने बैकफुट पे रखने की कोशिश की है, लेकिन क्या नतीजा है इस सेकेंड राउंड का, 5-0 गोपी के फेवर में, 5-0 से उन्होंने इस राउंड को जीत लिया है। यानी कि जो डिफेंस है ब्लू कॉर्नर का वो इस बार काम बिल्कुल नहीं आया गोपी के खिलाफ। गोपी ने जो अग्रेशन दिखाया है उसे कन्वर्ट भी किया एक यूनानिमस डिसीजन में। 3-4 बार सुशांत कपूर को वार्निंग मिली, नो होल्डिंग 3-4 बार रेफरी ने, और शुरुआत ही उसी बात से हुई है, शुरुआत ही तीसरे राउंड की इस बात से हुई है। रेफरी ने सुशांत को कहा नो होल्डिंग, और होल्ड वही बॉक्सर करता है जो पिचक रहा होता है, जिसको सांस चाहिए, तो यही बताने के लिए काफी। गोपी देख लीजिए, इनके इंजन में ईंधन खत्म नहीं हो रहा है। गोपी को अंदाजा है कि दूसरे राउंड से वो आगे हैं। दोनों ने एक एक राउंड अपने नाम किया है, ये राउंड बड़ा रोचक होगा। काफी एक्साइटिंग है ये बाउट, काफी इंटरेस्टिंग है ये एक्शन। तीसरा राउंड और दोनों ने अपने नाम कर लिया है एक एक राउंड, गोपी वर्सेस सुशांत कपूर। ऐसा लगता है कि अपने टॉप गियर में डाल दिया है गोपी ने अपने साहिब पंचेस को, कोई चांस नहीं छोड़ेंगे वो। और 5-0 से जो जीत हासिल की उन्होंने सेकंड राउंड में, वो कॉन्फिडेंस जो है वो अब उनके चेहरे पे नजर आ रहा है कि मेरे पंचेस कनेक्ट हो रहे हैं। और एक अच्छी बात ये लग रही है नीति की, गोपी जो पंजाब के होशियारपुर से हैं, होशियारपुर का इलाका पंजाब में फुटबॉल के लिए बड़ा मशहूर है। जो भारतीय फुटबॉल फॉलो करते हैं वो जानते हैं होशियारपुर में एक कस्बा है, माहलपुर को पंजाब फुटबॉल का आप केरला कह सकते हैं, क्योंकि वहां से बहुत सारे फुटबॉलर नेशनल लेवल पर गए हैं और वहां अकेडमीज हैं, बहुत सारे वहां से फुटबॉल क्लब्स निकल कर आते हैं। जेसीपी फगवाड़ा बहुत फेमस टीम थी, जो वहां से बहुत दूर नहीं है फगवाड़ा और महलपुर, उस इलाके से अब बॉक्सर गोपी निकल कर आए हैं, जिन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण किया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स तक पहुंचे। नो होल्डिंग ओके, गोपी के कोच ने एक ही बात बोली है, गोपी रेस्ट ना दे, वो कह रहे हैं खुद भी नहीं थकना, दूसरे को थकाना है, लगातार अटैक करो। ये टिपिकल पंजाबी अग्रेशन है, लग के चलो बस, चढ़ना नहीं। अगर आप गोपी को देखेंगे तो ऐसा लगता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। 5-0 से उन्होंने जो है सेकंड राउंड अपने नाम किया और अभी भी उनके अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि सेकंड राउंड में उन्होंने वार्म अप किया होगा, पहला राउंड गवा दिया था तो वो उनका वार्म अप सेशन था और उसको उन्होंने सेकंड राउंड में पूरी तरह से अपनी एनर्जी को झोंक दिया। वो सेम काम मोहम्मद अली करते थे, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है मोहम्मद अली में और इन बॉक्सर्स में, लेकिन वो भी छोटे कद के थे, पहले मार खाते थे, दूसरे को थका के उसके बाद अपनी ऊर्जा दिखाया करते थे। अब थकान आ गई है, दोनों बॉक्सर चक्कर लगा रहे हैं, आखिरी कुछ सेकंड है, दोनों को पता है। गोपी जाते जाते भी हाथ दिखा रहे हैं और उन्हें देख के लग रहा है कि वो सचमुच एक बटरफ्लाई की तरह फ्लोट कर रहे हैं। फुटवर्क जो है, जिस तरह से मूवमेंट है, और जब वो स्टिंग करते हैं तो बिल्कुल एक बी की तरह कर रहे हैं। और बॉक्सिंग रिंग में अगर इस कोर्ट का जिक्र ना हो तो बॉक्सिंग थोड़ी अधूरी सी लगती है। फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, बॉक्सिंग में इससे बेहतर कोर्ट हो नहीं सकता, जो खुद लेजेंड मोहम्मद अली ने दिया था। वो टेप्स रिकॉर्ड किया करते थे, ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करके अपने बेटियों को गिफ्ट किया करते थे, ये कोट वहीं से निकला है। गोपी क्या तीसरे राउंड में भी सारे जजेस को प्रभावित करने में कामयाब हुए हैं, या सुशांत कपूर का डिफेंस बेहतर रहा है, नतीजा आने वाला है पंजाब या चंडीगढ़। By unanimous point decision, the winner is in the red corner. Gopi, Punjab da munda. पहला राउंड 4-1 से पीछे थे, लेकिन दूसरे और तीसरे राउंड में यूनैनिमस डिसीजन लेकर उन्होंने इस बाउट को जीता है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5th में पंजाब के लिए एक मेडल कंफर्म कर दिया है।
गोपी बहुत बहुत मुबारक बाउट अपने नाम करने के लिए और मेडल स्टैली में पंजाब का एक मेडल कंफर्म करने के लिए। ये मेडल अभी रिफ्लेक्ट नहीं होगा लेकिन गोपी सेमीफाइनल पहुंच गए हैं, कम से कम ब्रॉन्ज जरूर लेकर जाएंगे।